हेलो फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो उन लोगों के लिए है जिनको भिन्न का जोहर बनाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है। देखिए, यहाँ पे मैंने चार एग्जांपल लिया है, चारों अलग अलग है और इस चार टाइप आप कह सकते हैं कि इससे अलग नहीं आएगा। मतलब ये अगर सीख गए चारों तो आप समझ लिए भिन्न का जोहर चुटकी में बना पाएंगे। ठीक है, अक्सर स्टूडेंट इस प्रकार का ही उलझन उसको सताता रहता है। ये टाइप का सीख लेता है, ये टाइप का सीख लेता है या ये टाइप का, उसको कन्फ्यूज़ हो जाता है कौन सा बनाएंगे, कौन सही है, कहाँ क्या। ठीक है, आप ध्यान से देखिए, चारों टाइप का जो है आपको समझ में आ जाएगा, बस भिन्न का जोर आपका क्लियर हो जाएगा। ये भी अलग है, ये भी अलग है और ये भी अलग है, ये भी अलग है। देखिए यहाँ पे ध्यान देखिए, नीचे वाला हर दोनों का सेम है ना। इस टाइप का कोई बहुत भी मिल सकता है, 7/2 या 4/2 या किसी भी, नीचे वाला हर सेम रहेगा। तो ऐसा कंडीशन में क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है, दोनों सेम है एक ठो ले लीजिए, 3 का 3 हमने ले लिया बस, और कुछ नहीं करना, ना गुना भागा कुछ दिमाग नहीं लगाना। यहाँ पे कितना है ऊपर में, 4 प्लस है, प्लस देंगे, यहाँ कितना है 7, 7 और 4 कितना हो गया 11/3, ये हो गया आंसर। कोई झमेला नहीं ना, बहुत आसान है, सेम रहेगा, जब भी हर सेम रहेगा बनाने का बहुत आसान तरीका है। नीचे वाला का एक लिख देना है और जो भी है उतार करके जोड़ के आंसर। ठीक, अब देखिए यहाँ पे क्या है, ऐसा वाला जैसे कि यहाँ पे, अब ये किसी से कटेगा ही नहीं, 2 जो है किसी से भाग नहीं लगेगा और 3, ये हर तो सेम नहीं है। अब प्लस ऐसा संख्या रहे जो किसी से ना कटे, जैसे कि यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 3 है, अब इसका एलसीएम करने जाएंगे तो एलसीएम तो होगा नहीं। ऐसा संख्या अगर यदि किसी भी का नीचे रहे तब क्या करना है, दोनों को आपस में गुना कर दीजिए, कितना हो जाएगा 2 × 3 = 6। ठीक है, और उसके बाद इसको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसको इसके साथ गुना कर देना है, नीचे वाले को क्रॉस, 3 × 5 = 15 यहाँ लिखेंगे, बीच में प्लस है देंगे, अब इसको भी क्रॉस गुना करेंगे, 2 × 4 = 8, 15 और 8 को जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 23 × 6, ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, उसके बाद जाकर के अब नेक्स्ट वाला देखिए, ये वाला जो है भिन्न का जोर में क्या है, ये दोनों में जैसे कि 4 है और 6 है, ये दोनों का एलसीएम करना है हमको, तो एलसीएम तो होगा, जैसे कि 3 और 2 का नहीं हो रहा था, अब इसका एलसीएम होगा, तो हम क्या करेंगे, साइड में कहीं पर एलसीएम कर लेंगे, यहीं पर कर लेते हैं, 4, 6 का कितना से जाएगा, 2 × 2 = 4, 2 × 3 = 6, अब ये तो जाएगा नहीं, तो नहीं जाएगा, तो क्या करेंगे, 2 × 2 × 3, तो 2 × 2 = 12, एलसीएम कितना हो गया हमारा 12, तो 12 को यहाँ लिख देंगे। इस प्रकार वाले को एलसीएम करके बनाना है। ठीक है, तो पहला वाला संख के नीचे वाले से इसको भाग देंगे, कितना आएगा 4 × 3 = 12, 3 बार में जाएगा, इस 300 क्या करना है, ऊपर वाले को गुना कर देना है, तो 3 × 3 = 9, प्लस है, प्लस का निशान देंगे, इससे इसको भाग देंगे तो कई बार में जाएगा, 6 × 2 = 12, 2 बार में, इससे क्या करना है, ऊपर वाले गुना कर देंगे, 7 × 2 = 14। ठीक है, अब क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे, 14 और 9 = 23, यानी 23/12, 12, ये हो गया आंसर। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, ये भिन्न का जोर, इसे तीन टांग वाला जोर कहेंगे। ठीक है, इसके नीचे कुछ नहीं है। ठीक है, तो क्या करेंगे, 3 + 9/5 ऐसा है। अब याद रखिएगा, किसी भी संख्या के नीचे अगर कुछ ना रहे तो आप अपने मन से 1 ले सकते हैं, क्योंकि 1 छुपा हुआ है। ठीक है, तो अब 5 और 1 कैल्शियम करेंगे तो 5 होगा, जाहिर सी बात है 5 होगा। अब ऐसा में भी क्या करना है, क्रॉस गुना कर देना है, 5 को 3 से गुना कर देंगे, 5 × 3 = 15 और 1 को 9 से गुना कर देंगे, 9 × 1 = 9, दोनों को जोड़ देंगे, 15 और 9 = 24/5, ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक का बटन जरूर दबाइएगा, चैनल पर पहली बार है तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, धन्यवाद।